हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 1555, लो गया था 1518 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया था 0.91% का एंड क्लोज हुआ था 1521.70 पे। ओके, ये कंपनी एक आपका बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है ₹6,40,246.80 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है आपका 6,27,976.80 करोड़ एंड पीई रेशियो है 30.15। ये कंपनी एकदम ही एक आपका डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी डेप्ट नहीं है एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹12,270 करोड़। ओके, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹50.47, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.37% एंड आरओसीई है 40.65%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 17.66% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 20.98%। ये जो कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड, इस कंपनी में एफआईआई के पास है आपका 33.3%, पब्लिक के पास है 20.65%, डीआईआई के पास है आपका 17.1% एंड प्रोमोटर्स के पास है आपका 13.11%। तो देखिए, इस कंपनी में आपका प्रोमोटर्स का होल्डिंग सबसे कम है, लेकिन अच्छा बात क्या है, अच्छा बात है कि पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है, ज्यादा होल्डिंग है आपका एफआईआई के पास। एफआईआई के पास जैसे मैंने बोला 33.3% का है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 13.11% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 79% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहा है। ओके, और ये कंपनी हर एक साल अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है आपका लगभग 1532% का, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिएगा, ये आपका था 27 मई 2022 का दिन। यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। आरएसआई भी देखिए 40 के लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका आरएसआई अपटेन हो चुका है। और अगर एमएससीडी की बात करेंगे तो देखिए एमएससीडी भी यहाँ पे आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ वीक से गिर रहा था, ठीक है। गिरते गिरते जब ये शेयर आपका, ये जो आपका ग्रीन कलर का लाइन है, 100 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए पिछले वीक में यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था। और अभी जो वीक खत्म हुआ, इसी वीक में भी फिर से यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए, आरएसआई 40 का जो लेवल था उसको तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका आरएसआई थोड़ा सा अपटेन हो चुका है। और अगर एमएससीडी की बात करेंगे तो देखिए, एमएससीडी अभी भी 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी यहाँ पे देखिए लास्ट दो वीक से यहाँ पे हम लोगों को आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 1521, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि 4-5 महीने के अंदर ये शेयर आपका
1900 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा से टेक्निकली कैसा है, कौन सा से फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।